ब्यूटी फैम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूज ग्लैमर। तो कैसे हो आप सब? अभी राइट नाउ यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम में एक मेकअप लुक बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है एंड ट्रेंडिंग भी है, वो है कोल्ड गर्ल मेकअप लुक। जी हाँ, तो आज मैं आप लोगों के साथ ये वाला मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। फाइनली थोड़ा बहुत लेट हो गया है बट ठीक है, आज मैं आप लोगों के साथ ये लुक शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली ये कोल्ड गर्ल मेकअप लुक है, विंटर मेकअप लुक, जहाँ पे आपको बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज़ करना होगा एंड जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे वो नेचुरल लगना चाहिए एंड बेसिकली आपको फेस पे उतना ज़्यादा मेकअप की लेयरिंग नहीं करना है, ठीक है। जितना कम प्रोडक्ट यूज़ कर पाओ आप वह अच्छा होगा एंड आपका जो बेस होगा वो ड्यूई फिनिश होगा, ग्लॉसी फिनिश होगा, बेसिकली ग्लोई ड्यूई ऐसा जो होगा वही कोल्ड गर्ल मेकअप लुक है। ज़्यादा प्रोडक्ट आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। सो मेकअप करने से पहले मैं अपने फेस को क्लीन कर लिया, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक स्टेप है, चाहे विंटर हो समर हो। फिर यहाँ पे मैं फेशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ, गुड वाइफ का ये अर्गन फेशियल ऑयल। फेशियल ऑयल आप डेफिनेटली यूज़ करो ये विंटर में, क्योंकि ये विंटर में फेशियल ऑयल बहुत ही ज़्यादा काम करता है एंड राइट नाउ कोलकाता में तो इतनी ज़्यादा ठंड है, मैं क्या ही बताऊँ। ठंड के मारे मैं 2-3 दिन शूट भी नहीं कर पाई, जो लोग कोलकाता में रहते हो उन लोगों को पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी आपके बजट के अकॉर्डिंग, स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर लेना। देन एक्स्ट्रा ग्रो के लिए यहाँ पे मैं नेचर एसेंस का फेशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ये गोल्ड फेशियल ऑयल है। आप कोई भी ऑयल या कोई भी ग्लोई वाला सीरम यूज़ कर लेना, आप ये फाउंडेशन पे भी लगा के यूज़ कर सकते हो जब आप फाउंडेशन अप्लाई करोगे फेस पे, ठीक है। तो हम लोग का स्किन प्रेप हो गया है, अब चलते हैं मेकअप पे। यहाँ पे मैं प्राइमर के लिए इन वाई मेकअप ब्लरिंग प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर आपको डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए, प्राइमर आप कभी भी स्किप मत करना, ताकि आप जो मेकअप करोगे ना आपके मेकअप में एक अच्छा सा बेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एंड आपके जितने भी ओपन पोर्स है वो भी मिनिमाइज हो जाएगा एंड जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था ये मेकअप लुक बहुत ही ग्लोई ड्यूई होने वाला है, तो यहाँ पे मैं इल्यूमिनेटर भी यूज़ कर रही हूँ। विंटर में इल्यूमिनेटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, आई गेस विंटर में क्या, मुझे हर टाइम इल्यूमिनेटर लगाना अच्छा ही लगता है। आप देख सकते हो मेकअप के पहले कितना ज़्यादा स्टेप हुआ, उसके बाद ये ग्लोई वाला स्किन क्रिएट हुआ है। अब बारी आती है फेस में, जहाँ जहाँ मेरी स्पॉट है उसको हाइड करने की। यहाँ पे थोड़ा बहुत रेडनेस हो गया था, इसे ग्रीन कलर करके मदद से हाइड किया। अगर चाहती तो मैं ये लेयरिंग नहीं भी कर सकती, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि उतना ज़्यादा लेयरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, बस नॉर्मल सटल सिंपल रखना है। बट थोड़ा बहुत मैं मेकअप लुक कर ही रही थी, वो रेडनेस या डार्क स्पॉट विजिबल हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो आज मैं फाउंडेशन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि जितने से जितना कम हो सके लेयरिंग करना है फेस पे, तो कंसीलर की मदद से ही बेस क्रिएट कर लूँगी। ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, एक सेटिंग स्प्रे की मदद से। सेटिंग स्प्रे इसलिए यूज़ किया क्योंकि विंटर है, मेरी स्किन वैसे ही ड्राई है एंड विंटर में ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई होता है, तो हाइड्रेशन के लिए यहाँ पे मैं सेटिंग स्प्रे यूज़ कर लिया। आप फेस पे ब्यूटी ब्लेंडर पे या ब्रश पे कहीं पे भी एक बार यूज़ करके देन उसको ब्लेंड कर सकते हो। अगर आपको ब्लेंड करने में दिक्कत हो रहा है तो कॉन्टोरिंग भी मैं करूँगी, क्योंकि कॉन्टोरिंग करने से आपकी फेस में एक डायमेंशन आ जाता है जो कि अच्छा लगता है। बिना डायमेंशन के फेस बहुत ब्लर लगता है, ब्लंट लगता है, कोई भी शेप अगर नहीं रहता है तो अच्छा लगता है क्या? तो इसलिए ज़रूर आप कॉन्टोरिंग ब्रॉन्जिंग ये सब किया करो। तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी क्रीम ब्लश नहीं था, तो लिपस्टिक की मदद से मैंने यहाँ पे एक ब्लश अप्लाई कर लिया है एंड ये है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का क्रीम हाइलाइटर। ये मेकअप लुक में बहुत ज़्यादा ब्लश आपको लगाना है, जैसे विंटर में होता है ना सबकी गाल लाल होता है, तो यहाँ पे पाउडर सेट की बारी आती है। जहाँ जहाँ मेरी क्रीज होता है वहाँ वहाँ ही मैं सब बस सेट करूँगी, पूरी फेस में नहीं करूँगी, क्योंकि ग्लॉसीनेस मुझे आज अपने फेस में चाहिए एंड नोज़ को शार्प दिखाने के लिए ऐसा मैंने कर लिया है। जहाँ जहाँ क्रीम प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है वहाँ वहाँ मैं पाउडर से सेट कर लूँगी एंड डस्ट आउट भी कर दिया है जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, कोरल सा एक कलर है। तो अभी बारी आती है
हाइलाइटर की, इसलिए मैं सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। ये है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का सेटिंग स्प्रे, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड हाइलाइटर के लिए आज मैं यहाँ पे मेबलिन का हाइलाइटर यूज़ कर, बहुत ही सॉफ्ट सटल नेचुरल सा एक ग्लो प्रोवाइड करता है। एंड मुझे ये हाइलाइटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है, तो जो आज इस लुक के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो बैक कैमरा मैंने आईब्रो अपना डन कर लिया है, देन एक बहुत ही लाइट सा पिंक कलर लेके अपना क्रीज ब्लेंड कर रही हूँ। एंड वही पिंक कलर में अपने लोअर लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ। साथ ही साथ आप देख सकते हो एक अच्छा सा डेफिनेशन आ जाता है दोनों एक साथ करते हुए, ठीक है। देन आउटर कॉर्नर पे मैं एक क्या बोलते हैं वो पर्पल मोविश कोई भी कलर, आप देख सकते हो क्या कलर है, वो कलर से डेप्थ दे रही हूँ ताकि इनर कॉर्नर थोड़ा बहुत अच्छा लगे एंड मेरी आईज पे थोड़ा बहुत डेप्थ आए। देन एक लाइट सा पिंक कलर शिमरी कलर में अपने मिडल ऑफ द आईलिड पे प्लेस कर रही हूँ एंड एक सिल्वर कलर ले इनर कॉर्नर पे प्लेस कर रही हूँ। एंड आईब्रो बोन के लिए जो मेबलिन का हाइलाइटर मैं यूज़ किया है वही आईब्रो बोन पे दे दिया है, तो लुक कुछ ऐसा आया है। आज काजल के लिए वाइट काजल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो आप ब्लैक काजल भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये आई मेकअप आप कोई भी पार्टी पे कोई भी वेडिंग गेस्ट मेकअप में भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मस्कारा के लिए आज मैं मेबलिन का कलोसिल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, वन ऑफ द बेस्ट मस्कारा, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसके वॉन्ड बहुत ही अच्छा है। एंड एक दो कोट देने के बाद आपको और कुछ ज़रूरत नहीं है फर्स्ट लिश अप्लाई करने की। तो ये कलर बार का लिपस्टिक है, ये जो मुझे पीआर में रिसीव हुआ था, दिस इज़ नॉट माय शेड, ऑनेस्टली दिस इज़ नॉट माय शेड, बट फिर भी मैं आज यूज़ किया है क्योंकि आज लग गया है। एंड थोड़ा बहुत लिप ग्लॉस अप्लाई कर लिया है क्योंकि विंटर में ग्लॉसीनेस ग्लॉसी लिप्स अच्छा लगता है। तो या हेयर इज़ माय एब्सोल्यूट फाइनल फिनिश्ड लुक। होप करती हूँ आप लोगों को ये मेकअप लुक अच्छा लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलती हूँ मैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड स्टे ब्लेस्ड, बाय। Thank you.